नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी 18 न्यूज। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको जो RRB की एग्ज़ाम लगी थी, RRB APL टेक्नीशियन के जो लगी थी, उसी के टॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो RRB APL वैकेंसी थी, वो टोटल वैकेंसी थी 26,502, इसको बढ़ा के 64,371 कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसको जो पहले 26,502 थी, उसको बढ़ा के 64,371 कर दी गई थी। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। इसमें दो पोस्टें थी, एक तो असिस्टेंट लोको पायलट जो APL की थी, एक थी टेक्नीशियन जो APL की थी, वो 27,595 थी, और जो टेक्नीशियन थी वो थी 36,776। जी हाँ दोस्तों, 36,576। अब बात करते हैं टोटल स्टूडेंट पास ऑफ CBT 2 में। जी हाँ दोस्तों, जो CBT 2 का रिजल्ट आएगा उसमें टोटल पास कितने स्टूडेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है 64,371 टोटल वैकेंसी थी, इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 9,65,565 के लगभग। दोस्तों 15 से मल्टीप्लाई सही कर रही है, क्योंकि जो इसी 15 गुना पास करेंगे। अब बात करते हैं टोटल जो कितने लोग पास होंगे। दोस्तों, जो RRB के एग्ज़ाम है उसमें जो 50% सीटें रिजर्व रखी जाती है। रिजर्व का मतलब यह है कि जो टोटल वैकेंसी है, मतलब जो उसमें 50% रिजर्व रखी जाती है, मतलब जो वैकेंसी है उसे 50% लोग और पास करेंगे। जैसे कोई बंदा है, मतलब जो कोई जॉब नहीं करना चाहती है, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है। अब इनको इंक्लूड करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो 96, मतलब जो टोटल वैकेंसी है 64,371, उसमें 32,185 को प्लस करते हैं, छोड़ते हैं तो 96,556 के लगभग स्टूडेंट पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, 50% रिजर्व रखने के कारण ये 81 लोग पास करेंगे। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स ऑफ CBT 1 के बारे में। दोस्तों, ये सबको पता है कि CBT 1 में 75% मार्क्स था, मतलब 75 नंबर का पेपर था। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, अब कितनी क्या कट ऑफ के रहने के चांसेस हैं। दोस्तों, ये कट ऑफ मेरे मतलब जो एक्सपर्ट है उनके अनुसार है, जो थोड़ा सर्वे किया गया उनके अनुसार है। दोस्तों, अब कैटेगरी जनरल के, जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, वो थे 40%, मतलब 30 नंबर। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 30 नंबर, जो 75 नंबर से 30 नंबर लाना जरूरी है जो जनरल कैटेगरी में है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, इसमें है कट ऑफ के बारे में, दोस्त इसमें दो चीज़ें, मतलब एक तो IIT वाले स्टूडेंट थे, एक PCM वाले स्टूडेंट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट और IIT वाले स्टूडेंट। दोस्तों, जो ITI वाले स्टूडेंट थे वो बहुत कम थे, और जो बहुत कम लोग पास हो रहे हैं, मतलब जो मिनिमम मार्क्स है उससे थोड़े से जो नंबर ज़्यादा ला रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो PCM है, जो PCM वाले स्टूडेंट है, जो 38 से 40 नंबर मार्क्स ला रहे हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी ही जाने वाली है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी OBC के बारे में। दोस्तों, OBC कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स 20% है, मतलब 22.5 नंबर। दो मतलब जो 75 में से 22.5 नंबर OBC में लाना जरूरी थे। अब बात करते हैं ITI वाले, ITI वाले की 24 से 27 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो PCM है, जो फिजिक केमिस्ट्री मैथ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 33 से 35 मार्क्स लाना आ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उसमें जो 33-35 लाना जरूरी है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी SC के बारे में। SC कैटेगरी मिनिमम पासिंग मार्क्स 30%, मतलब 22.5 नंबर, 75 में से 22.5 नंबर। अब बात करते हैं ITI वाले, उनके लिए 23 से 25 नंबर आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो PCM से बिलोंग करते हैं, उनके 31 से 33 नंबर आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ST कैटेगरी के बारे में। ST कैटेगरी मिनिमम पासिंग मार्क्स थे 25%, मतलब 75 में से 18.75 नंबर,
अब जो आईटीआई वाले हैं, जिससे कि जो आईटीआई वाले जो एसटी कैटेगरी में, और आईटीआई जो एसटी कैटेगरी से है और आईटीआई में है, उनके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है बस वही कट ऑफ रह रही है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स 18.75 से 20 नंबर जिसके आ रही है वो क्वालिफाई कर सकता है, और जो पीसीएम से बिलोंग करते हैं उनके लिए 27 से 30 नंबर जिसके आ रही है वो क्वालिफाई कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया और मेरी कट ऑफ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।